हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों के इलम में होगा कि अब PTA यानी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी वाले बिना रजिस्टर या चोरी शुद्धा मोबाइल को ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन व्यूअर, क्या आप लोगों को पता है कि PTA वालों के पास कौन सा ऐसा जादू है जो पूरे मुल्क में मोबाइलों को चेक करके ब्लॉक कर रहे हैं? और हमारे मोबाइलों में ऐसा क्या चीज़ इन लोगों ने पिट किया है जिससे वो पता लगा सकते हैं? तो व्यूअर, आज इस वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। व्यूअर, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो देखने से पहले वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आप हमारे नए आने वाले वीडियो से बाखबर रहे। व्यूअर, हमारे मुल्क में चार किस्म के मोबाइल मिलते हैं। एक नंबर, वो जो असल कंपनी बनाकर लीगल तरीके से पाकिस्तान में वारंटी के साथ बेची जाती है। दो नंबर, वो मोबाइल फोन जो चोरी करके दोबारा जुगाड़ी तरीके से सॉफ्टवेयर करके मार्केट में थोड़े सस्ते दामों बिकती है। तीन नंबर, वो मोबाइल फोन जो हूबहू असल की कॉपी होती है, वो भी असल के मुकाबले में सस्ते मिलते हैं। चार नंबर, वो मोबाइल फोन जो गैर कानूनी तरीके से बिरूनी ममालिक से स्मगल किए जाते हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 10 लाख मोबाइल फोन बिरूनी ममालिक से स्मगल किए जाते हैं, जिससे कौमी खजाने को टैक्स न मिलने की वजह से 15 बिलियन रुपीस यानी 150 मिलियन डॉलर का सालाना नुकसान होता है। जबकि गैर सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक स्मगल शुद्धा पोन्स की मालियत 75 बिलियन रुपीस यानी 750 मिलियन डॉलर सालाना का है और इस स्मगल शुद्धा पोन्स का हुकूमत के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था और यही मोबाइल पाकिस्तान में गैर कानूनी कामों और दहशतगर्दी में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो व्यूअर, इसलिए हुकूमत इस वजह से स्मगल शुद्धा और जाली मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर रहा है और हम जैसे मजदूर लोगों को क्या पता कि कौन सा असल मोबाइल है और कौन सा कॉपी। लेकिन व्यूअर, यहाँ असल सवाल ये बनता है कि मोबाइल PTA वाले कैसे ब्लॉक करते हैं? तो व्यूअर, इसके लिए PTA ने, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन ने DIRBS सिस्टम बनाया है यानी डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग, जिसके ज़रिए मोबाइल फोन्स को काबिल इस्तेमाल और नाकाबिल इस्तेमाल बनाएगा। जो असल हो उसको काबिल इस्तेमाल और जो कापी होगा या स्मगल शुद्धा तो उसको नाकाबिल इस्तेमाल। तो व्यूअर, यह एक और सवाल ये बनता है कि सिस्टम तो है मगर ये काम कैसे करेगा, यानी हमारे फोन में ऐसा क्या चीज़ है जिससे PTA वाले ट्रैक करेगा कि ये असल है या कॉपी, टैक्स अदा करके आया है या स्मगल शुद्धा। तो व्यूअर, PTA वाले ये सब पता लगा लेते हैं मोबाइल फोन्स के IMEI नंबर से यानी ईमी नंबर से। व्यूअर, जिस तरह हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर नाद्रा की तरफ से जारी किया जाता है, इसी तरह पूरी दुनिया में जितने भी मोबाइल डिवाइस है इसका ईमी नंबर होता है और वो GSMA वाले इशू करते हैं और ये एक ग्लोबल अथॉरिटी है। ये एक तरह का शनाख्ती कार्ड है मोबाइल फोन्स के लिए। लेकिन व्यूअर, ये जहन में रख के कि पूरी दुनिया में एक जैसे ईमी नंबर पर दो मोबाइल फोन्स भी नहीं हो सकते। अगर आपने अपने मोबाइल का ईमी नंबर मालूम करना है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि अपने मोबाइल से *#06# डायल करें तो आपके सामने मोबाइल का ईमी नंबर आ जाएगा। अब जो मोबाइल फोन किसी लोकल घटिया कंपनी ने बनाया हो या कॉपी हो, इसको GSM वाले शनाख्त नहीं देते,
یعنی اس کا شناختی کارڈ سرے سے بنا ہی نہیں، جس کا ایمی نمبر نہیں بنا ہو وہ پاکستان میں اب نہیں آ سکتا۔ اب وہی موبائل فونز ہمارے ملک میں آئیں گے جو اصل ہو۔ پاکستان میں جتنے بھی موبائل فونز ہے اس میں وہی موبائل کام کرے گا جو پی ٹی اے کو ٹیکس ادا کر کے لایا گیا ہو اور جس کا ایمی نمبر جی ایس ایم اے کے پاس رجسٹر ہو، تو اس سے ہمارے ملک کے خزانے میں ٹیکس کا پیسہ بھی زیادہ آئے گا اور چوری چکاری کا خطرہ بھی زیادہ نہیں ہوگا، کیونکہ جس موبائل کا جگاڑی طریقے سے دوبارہ سافٹ ویئر ہو جائے تو وہ بلاک ہو جائے گا، پھر صرف کھلونے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بیور ممکن ہے اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ موبائل پی ٹی اے والے کس لیے اور کس طرح بلاک کرتے ہیں اور موبائل فونز کے ایمی نمبر کا کیا کردار ہے۔ ویور آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی؟ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔